घोड़सवार को भी बधाई देता हूं कि कितना भी कीमती घोड़ा गाड़ी रखिए, उसका ड्राइवर सही नहीं रहेगा तो रोड पर गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी तरह से कीमती घोड़ा होने के, रेसर घोड़ा होने के साथ साथ उसका मेरा जो सवार है वो भी रेसर है और अपना कर्तव्य दिखाने का काम किया है। यार आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल, में अमिताभ को बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर तरारी प्रखंड के कुरमुरी गांव में घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यहां पे एक से बढ़कर एक घोड़े सम्मिलित किए गए। देखिए आप देख रहे हैं यहां पे नागराज जो कि इस घोड़े में प्रतियोगिता में विजेता रहा और काफी परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया रहा, एक से बढ़कर घोड़े को पछाड़ते हुए अपना एक अलग ही स्थान यहाँ पे बनाया और घोड़ा को प्रथम पुरस्कार के रूप में आप देख सकते हैं कि पीछे एक गाय है, गाय भी दिया गया है, साथ ही में एक मेडल भी दिया गया है। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो घोड़ा के ऑनर है मुकेश यादव या अज्ञाव प्रखंड के प्रखंड प्रमुख है और बता दें कि उनके भाई भूपेंद्र यादव भी पहुंचे हैं जो लासानी पंचायत का नारायणपुर पंचायत के मुखिया भी हैं। कितनी खुशी हो रही है सर कि आपका घोड़ा ने यहाँ पे आकर परचम लहराने का काम किया है? बहुत खुशी हुई है कि इसलिए कि बिहार के कोने कोने से यहाँ पर घोड़ा आए हुए थे और सभी घोड़ों को पछाड़ते हुए मेरा घोड़ा नागराज और ये आज प्रथम स्थान हासिल किया ये कुरमुरी की पावन पवित्र धरती पर सूर्य मंदिर के प्रांगण में आज जो इन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया, इसके लिए मैं घोड़ा के साथ साथ घोड़सवार को भी बधाई देता हूं कि कितना भी कीमती घोड़ा गाड़ी रखिए, उसका ड्राइवर सही नहीं रहेगा तो रोड पर गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी तरह से कीमती घोड़ा होने के, रेसर घोड़ा होने के साथ साथ उसका मेरा जो सवार है वो भी रेसर है और अपना कर्तव्य दिखाने का काम किया है। सभी घोड़ा 5 राउंड का खेल था ये और 5 राउंड की दौड़ में मेरा घोड़ा 6वां राउंड सबसे आगे पूरा किया, 6 राउंड मारते हुए सबसे आगे पूरा किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना चाल है, इस पर कितना पिकअप है इसमें। आप लोगों का घोड़ा आज कहीं ना कहीं पूरे आप लोग का जिले का मतलब आप लोग का समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जो नागराज है आज इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार से घोड़े सम्मिलित हुए थे, कहीं ना कहीं एक अलग ही स्थान बनाने का काम किया है। सर्वप्रथम हम घोड़ा को तो बधाई देते हैं, घोड़सवार को भी बधाई देते हैं और सर्वप्रथम हम इसका संचालन करता जो हिमानु सिंह बंगवा के हैं उनको सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं कि घोड़ा को वहीं सब देखते हैं, वहीं सब चलवाते हैं, वहीं सब देखरेख करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम अभिमन्यु सिंह को बधाई देते हैं। आज यहाँ पे घोड़ा को प्रथम पुरस्कार के रूप में गाय और गोल्ड मेडल दिया गया है, क्या कहिए? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग गाय के पोषक हैं, हम लोग गाय के रखवैया हैं, हम लोग गाय पसंद करते हैं, गाय को हम लोग दूहते हैं और इसी में हम लोग गाय में भैंस में रहते हैं, हम लोग मेरा खटाल भी है, 100 गो भैंस गाय है। बहुत अच्छी बात है कि हमको गाय मिला, बहुत खुशी की बात है। नागराज का आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, कैसा लगा देखने के बाद? बहुत सुंदर लगा, ये इस पूरे बिहार के यहाँ पर घोड़ा जो आया था सब में अव्वल घोड़ा रहा और नागराज हर जगह अव्वल रहता है, पूरे बिहार में कहीं भी जाता है ये नंबर 1 पे रहता है। अच्छा आप लोगों ने घोड़ा प्रतियोगिता यहाँ पे देखा, कैसा लगा देखने के बाद यहाँ? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत देखने कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा जब चल रहा था तो कैसा परफॉर्मेंस? हम लोग पहले ही बोल दिया था कि ये जीतेगा। कैसा लगा नागराज? बहुत बढ़िया, बहुत नागराज के बहुत हम देखे हैं, जहाँ तहाँ भी गए हैं प्रोग्राम इसको देखे हैं, बहुत जहाँ भी जाता है। हाँ बहुत, नारायणपुर में हुआ था तो निकला था, वहाँ भी देखे थे इसको देखने हम जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसका चाल। अब देखिए यहाँ पे जो सवार है देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है दीपक, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है जी, मेरा दीपक नाम। बहुत बहुत बधाई कि आपने आज इस मैदान में घोड़े को लेकर एक विजेता के रूप में घोषित हुए और गाय भी पुरस्कार के रूप में। कितनी खुशी हो रही है जब आपका घोड़ा एक अव्वल स्थान यहाँ पे लाया? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मेरा घोड़ा जीता मुझे बहुत खुशी है और सारे घोड़े आए थे, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दिए और रेस बहुत अच्छी हुई, रेस जो नगराजा थे। मुकेश यादव ने कहा अभी कि घोड़ा कितना भी कीमती हो, गाड़ी कितनी भी कीमती हो, उसका चालक जब तक अच्छा नहीं होता है उस बेकार हो जाती है, तो घोड़ा कितना भी जब तक उसका सवार अच्छा नहीं होता है। जी ये तो है जो आपने मेरे मालिक ने बोला कि ये 100 में 100 होता है कि जो जितना अच्छा ड्राइवर है उतनी गाड़ी सेफ्टी से चलेगी। कितने दिन से आप घोड़सवारी कर रहे हैं? लगभग 15-16 साल से घोड़सवारी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 25 है। मतलब बचपन से सीखने का जज्बा था कि हॉर्स राइडिंग किया जाए? 8 साल से मैं घोड़ा चला, 8 साल से घोड़ा चलाता है। जी हाँ, मेरे घर खुद का घर का घोड़ा था। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी, गाजीपुर जिला है। गाजीपुर के रहने वाले हैं जी। आप देख सकते हैं कि अच्छा अभी आप लोगों ने नागराज घोड़ा का देखा है परफॉर्मेंस, पूरे कुरमुरी में घोड़े दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने का काम किया है। याद से नहीं, जब से ही
दो नाच का हुआ है बरहमपुर से लेकर, जिस मालिक के यहाँ जाता है उस मालिक का नाम रोशन करता है, जिस मालिक के यहाँ जाता है वहाँ पे उस मालिक का नाम रोशन करता है। इसका नाम है नागराज, नागराज नाग जो है ये शंकर भगवान की ये सवारी है इनके, जब जो जहाँ रहेगा गर्दाने में रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। अच्छा कैसा लग रहा है अभी आप लोगों ने देखा नागराज के साथ? हम लोग जितने 500 लड़के गांव के आदमी आए हुए हैं, 500 लोग आए हुए, 500 लोग सबका सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। रक्षा बाबा की जय, रक्षा बाबा की जय। चार 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 चार